मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक दिक्कत आई, बड़ी ही भयानक। तो वो क्या थी भाई? हेलो, फॉर्म नहीं है, फॉर्म। हाँ, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज अपन अपनी बाइक का फॉर्म वॉश करवाने आए हैं, तो आप लोग आज देखिए वीडियो में आपको दिखाते हैं लास्ट तक कि फॉर्म वॉश कैसे होता है अपनी ड्यूब का। शायद से मेरी पहली वीडियो है एक व्लॉग जिसमें हम आपको पूरा फॉर्म वॉश दिखाएंगे, वॉशिंग दिखाएंगे बाइक की। तो और बड़ी प्यारी लगती है फॉर्म वॉश जब करते हैं। आज अपन अपने हाथों से फॉर्म वॉश करेंगे, मतलब फॉर्म जो इसके ऊपर डालते हैं वो मैं अपने हाथ से डालूँगा। तो अभी इन भाइयों से कहता हूँ मैं क्या करें। अभी देखो ये बंद कर दिया भाई ने, अलग ही जुगाड़ है इनके पास। अभी ये गाड़ी हो जाएंगे उससे, कपड़े से क्या कर रहा है भाई? हेलो, फॉर्म नहीं है, फॉर्म। हाँ हाँ भाई, पूछ रहा फॉर्म मारना कपड़ा में। अपने को फॉर्म चाहिए, स्पेशल फॉर्म। क्या है यार, क्या क्या कराता है यार? मैं मारूँगा, मुझे दे दियो, मैं मारूँगा। हाँ मैं मारूँगा, बोल दे। तो भाई ये कपड़ा लेके लग गया था चमकाने बाइक को, पर अभी भाई मुझे दे दे एक बार। ले भाई, तो आप देखो भाई फॉर्म वो जब होती है तो कुछ इस तरह का कुछ, ये अपना फॉर्म ऐसे फिट कर दे। ये तो ऐसे स्विच करके डाल रहा है, बट हम तो दबा दिया था, आपने देखा कैसा प्यारा लग रहा था। तो अभी ये फॉर्म डालने के बाद अपना कपड़े के साथ चमकाते हैं। फॉर्म वॉश एक देखने में अच्छा लगता है। अभी एक बार आपको हम वॉश होने के बाद एक बार दिखाते हैं। तो भाई अपन ने आपको दिखा था एग्जॉस्ट के आगे कुछ थोड़ा सा बोता, तो हमने एक ब्रश से इसको थोड़ा सा क्लीन किया है। काफ़ी हद तक वो हो गया है, देख सकते हो अगर आप में एक थोड़ा सा फोग जैसा कुछ फेड हो रहा है। आप मतलब इतना लंबा वीडियो किसी ने पता नहीं बनाया है कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं, बट आप बताओ मतलब वॉशिंग का व्लॉग बनाना एक अच्छी बात है या क्या है, तो आप बताओ मुझे। अपने को बस वीडियो कैमरा उठा के बनाने से मतलब था इस बार, देखते हैं क्या रहता है। मतलब बेवजह के यार एक एक चीज़ अभी दिखी मुझे क्लियर। अभी रिसेंटली मेरी बाइक को चोट लग गई थी, मैं ड्यूटी पे जा रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ, डिवाइडर था साइड में, एंड अपना आप देख भी पा रहे हो। तो एक बार इसकी ये पानी बंद होने के बाद देखते, तो उस पर क्या हुआ, डिवाइडर के साइड में मेरा एग्जॉस्ट का जो गार्ड होता है ना उस पर लग गया। ठीक है, अभी इन्होंने क्या है, चैन आप देख सकते हो क्लीन हो गई है। सो अभी क्या है इसका, अभी इसका क्या सीन है, मैं एक बार तो ये दिखा देता हूँ आपको। ये नहीं, ये बढ़िया वाला स्क्रैच लग गया था। तो अभी ये धुल चुकी है, अभी इसको थोड़ा हवा हवा मार के ये हो जाएगी साफ, फिर उसके बाद कपड़ा मार के हम ले जाएंगे इसको। सो आपको वीडियो कैसी लगी वो बताइए आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, अभी हमने वीडियो बनाई थी वॉशिंग पे, तो आपने अभी ये मुझे बाद में बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक दिक्कत आई बड़ी ही भयानक। तो वो क्या थी भाई, मेरी बाइक पूरी बबलिंग सी करने लगी, ऐसे जैसे कुछ टायर में कुछ इशू आ गया हो। मैं सोचा रिम वगैरह लोई वगैरह बैंड हो गए, तो पहले मैंने उतरते ही इसके जो वेट होता है एक साइड वो चेक किया, बट नहीं वो तुम्हारा वो नहीं था। फिर मैंने मेरा गलती से यहाँ पैड पे हाथ लगा, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी, अब भी ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है। तो उसके मैंने फिर कंपनी कॉल किया, तो उनका कहना था कि वॉशिंग के टाइम पैड वगैरह चिपक गए होंगे, तो उसकी वजह से। तो मैं ये प्लेट है ना, इस पर भी ऐसे हाथ लगा रहा था, तो
तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बन गया था प्लेट के अंदर। तो अभी तो ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रेक को थोड़ा सा ऐसे एक दोबारा से दबा के थोड़ा सा फिर थोड़ा सा वैसे वेट करो, फिर चलाओ, फिर दोबारा देखो, तो उसके बाद हो जाएगी आपको ठीक। बट मेरी उंगली जल चुकी है थोड़ी सी, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा गर्म थी। तो आप लोग भी दिक्कत आए तो आप बच के रहिए, जो जैसा बताया वैसा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।